हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल लास्ट मिनट रिवीजन विद आरएसएम एंड हियर आई एम बैक विद अनदर वीडियो। सो टुडेज वीडियो इज अबाउट द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 1 विच इज कॉल्ड एज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज वन ऑफ द डिफिकल्ट सब्जेक्ट इन योर टीवाई बीकॉम एज कंसर्न, बट सिंस इट्स द डिफिकल्ट सब्जेक्ट वी नीड टू स्टार्ट विद दैट। एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस सब्जेक्ट वी विल हैव सम ऑफ द डिस्कशंस रिलेटेड टू दिस सब्जेक्ट एज कंसर्न। सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन टी वाई एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिलेट्स विद द जर्नल एंट्रीज। देर आर मेनी टाइप्स ऑफ चैप्टर्स विच रिलेट्स विद जर्नल एंट्रीज। सो दो स्टूडेंट्स हु आर फाइंडिंग जर्नल एंट्रीज एज डिफिकल्ट नीड टू कॉन्सेंट्रेट अ लॉट ऑन दिस सब्जेक्ट। सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज वन ऑफ द सब्जेक्ट विच यू हैव स्टार्टेड लर्निंग फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड एंड इट विल बी एवरी ईयर वन ऑफ द चैप्टर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट रिलेट्स टू ऑल ऑफ योर ईयर्स एज कंसर्न एंड दैट इज फाइनल अकाउंट। Since 11th standard, you started with the subject, you started with final accounts. 12th standard also, there was a chapter of final account. In FY, you have learned final account. In SY also, you have learned final account. And TY similarly, we are going to also learn final account in TY, final accounts of the joint stock company as concerned. So basically, financial accounting chapter number 1, which we are going to start today, is internal reconstruction. What is internal reconstruction? What are the basics of this chapter we are going to learn? This chapter will constitute total 20 marks in your syllabus. So just try to concentrate because the base of this chapter is very important. There are some of the concepts which you need to understand. Let us start with the first part. So first of all, what is internal reconstruction? If you see, there are two points in this. One is internal and another is reconstruction. So internally, there can be reconstruction and there can be other option also called as external reconstruction. So both the points we are going to learn. So what is first of all reconstruction here? So we are having the point reconstruction. So there are two concepts. Number one is internal and number second is reconstruction. Reconstruct ka matlab hota hai company jo bhi activities karne wali hai, companies apne financial accounts ko ya apne financial statement ko jisme hum ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट को कवर करेंगे, उसको रीऑर्गेनाइज करेगा। सो हाउ टू डू रीऑर्गेनाइजेशन और ये रीऑर्गेनाइजेशन क्यों किया जाता है, देर आर एन नंबर ऑफ पॉइंट्स फॉर दैट। और ये रीऑर्गेनाइजेशन हम खुद नहीं कर सकते, इसके लिए हमें कोर्ट का ऑर्डर लेना कंपल्सरी है। सो देर शुड बी ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। इफ द कोर्ट गिव्स अस परमिशन फॉर रिकंस्ट्रक्शन, देन ओनली वी कैन डू दिस इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में एक्चुअली होता क्या है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में एक्चुअली शेयर्स के वैल्यूज को रिड्यूस किया जाता है। जो भी हमारे लाइबिलिटी होल्डर्स है उनको पे किया जाता है, जो भी हमारे असेट्स है उनको एप्रिसिएट या डेप्रिसिएट किया जाता है, और जो भी हमारे मिसलेनियस एक्सपेंसेस है विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज फिक्टिशियस असेट्स such as preliminary expenses, share issue expenses, any kind of expenses which relates with the fictitious part as concerned or miscellaneous expenses as concerned. So ye sare expenses ko hum log write off karne wale, because ye sare expenses jo bhi hai, जो नॉट रिटर्न ऑफ है वो बैलेंस शीट के असेट साइड में दिखते हैं, और एक्चुअली ये असेट नहीं है लेकिन एक फिक्टिशियस असेट है। फिक्टिशियस का मतलब होता है काल्पनिक असेट। तो ऐसे असेट जो असेट नहीं है और बैलेंस शीट के असेट साइड में दिख रहे हैं, तो उसके वजह से कंपनी को काफी सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, एंड दैट इज वाई वी नीड टू राइट ऑफ दिस। तो ऑल दिस पॉइंट्स विल बी कवर्ड इन दिस चैप्टर कॉल्ड एज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। तो रिकंस्ट्रक्शन का मतलब यहाँ पे मैंने लिखा है, रिकंस्ट्रक्शन इज द प्रोसेस ऑफ कंपनीज रीऑर्गेनाइजेशन कंसर्निंग लीगल ऑपरेशनल ओनरशिप एंड अदर स्ट्रक्चर। देखो लीगल भी है, बिकॉज लीगल इसलिए है कि हमें कोर्ट का परमिशन लेना कंपलसरी बन जाएगा। अनलेस एंड अंटिल द कोर्ट या लीगल रिलेटेड फैक्टर्स आर नॉट सेटिस्फाइड, वी कैन नॉट गो फॉर रिकंस्ट्रक्शन। मतलब हम हमारे बेसिस पे रिकंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। इसमें शेयर्स की प्राइसेस को रिड्यूस किया जाता है, जिसमें दो कॉन्सेप्ट्स हम आगे पढ़ेंगे। वन इज कॉल्ड कंसोलिडेशन एंड अनदर इज कॉल्ड एज सब डिविजन ऑफ शेयर्स, वो भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। सो इंटरनल कंस्ट्रक्शन क्या है? इंटरनल कंस्ट्रक्शन रेफर्स टू अ मेथड ऑफ कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग वेर इन एग्जिस्टिंग कंपनी इज नॉट लिक्विडेटेड। इफ यू सी
देर आर टू पॉइंट्स, एक होता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और दूसरा होता है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन. एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में अमालगमेशन के पॉइंट्स आते हैं एंड इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में एक्चुअली होता क्या है, जो कंपनी है वो लिक्विडेट नहीं हो रहा है, कोई भी नया कंपनी फॉर्म नहीं होने वाला, बट जो पुरानी कंपनी है उनको उसको हम रीऑर्गेनाइज करेंगे, उसके बैलेंस शीट को रीड्राफ्ट करेंगे. और बैलेंस शीट को रीड्राफ्ट करने के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, बैलेंस शीट को रीड्राफ्ट या रीऑर्गेनाइज करने के बाद हम ब्रैकेट में एक वर्ड लिखेंगे एंड रिड्यूस. एंड रिड्यूस का मतलब होता है ये जो भी बैलेंस शीट है ये रिडक्शन के बाद बनाई हुई बैलेंस शीट है. दैट इज द पॉइंट ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन. तो दिस इज द सिंपल बेस ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन. इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इज जस्ट अ मेथड ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग वेर इन वी आर डूइंग वॉट, वेर इन वी आर रेड्यूसिंग द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, वी आर सेटल डूइंग सेटलमेंट ऑफ द लाइबिलिटी होल्डर्स एंड वी आर ऑल्सो राइटिंग ऑफ ऑल द असेट्स एंड लाइबिलिटीज सो दैट ट्रू व्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी शोन इन द बैलेंस शीट. बिकॉज सिंस वी ऑल आर अवेयर अबाउट दैट मिसलेनियस एक्सपेंसिस और फिक्टिशियस असेट्स आर शोन ऑन द असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट एंड दिस मिसलेनियस और फिक्टिशियस असेट्स आर टू बी रिटर्न ऑफ. तो दैट इज वाई इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इज वन काइंड ऑफ मेथड वेर वी आर डूइंग कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, जहां पे कोई भी नया कंपनी फॉर्म नहीं होने वाला, जो पुरानी कंपनी है उसी को हम रीऑर्गेनाइज करेंगे. बट एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में क्या होता है, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में एक नया कंपनी फॉर्म होता है जिसमें अमालगमेशन, मर्जर या एक्विजिशन के कंसेप्ट आएंगे, वो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं. आगे बढ़ते हैं, अभी इसमें आपको पेपर में या एग्जाम से रिलेटेड क्या क्या चीजें करनी है या क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है. सो नंबर वन इज, स्टेप नंबर वन, वी नीड टू लर्न द जर्नल एंट्रीज. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर इज लर्निंग द जर्नल एंट्रीज एंड वेर एवर द जर्नल एंट्रीज कम स्टूडेंट्स फाइंड लिटिल बिट डिफिकल्ट बिकॉज दोज हु आर फाइंडिंग जर्नल एंट्रीज एज डिफिकल्ट विल फाइंड दिस चैप्टर लिटिल बिट बोरिंग. बट वी विल ट्राई टू कवर ऑल द जर्नल एंट्रीज इन अ सिस्टमैटिक वे और मैं आपको इस तरीके से जर्नल एंट्रीज को याद रखने का तरीका बताऊंगा सो दैट आपको ये जर्नल एंट्रीज का जो डर है वो खत्म हो जाए. तो सबसे पहले आपको क्या करना है इस चैप्टर में, सबसे पहले आपको स्टेप नंबर वन में जर्नल एंट्रीज करना है. स्टेप नंबर टू में आपको क्या करना है, स्टेप नंबर टू में आपको करना है कैपिटल रिडक्शन का लेजर बनाना है. अब ये कैपिटल रिडक्शन क्या है हम लोग आगे पढ़ेंगे. कैपिटल रिडक्शन का एक लेजर बनाना है, एक नया नाम, एक नया टाइप का अकाउंट आपके सामने अभी है एंड दैट इज कॉल्ड कैपिटल रिडक्शन अकाउंट. सो व्हाट इज दिस कैपिटल रिडक्शन अकाउंट विल बी लर्निंग इन द फर्दर स्लाइड्स. सो बेसिकली स्टेप नंबर वन यू हैव टू सॉल्व द जर्नल एंट्रीज, स्टेप नंबर टू यू हैव टू प्रिपेयर अ लेजर अकाउंट एंड द लेजर नेम इज कैपिटल रिडक्शन अकाउंट एंड स्टेप नंबर थ्री इज नथिंग बट प्रिपेरेशन ऑफ बैलेंस शीट. तो स्टेप नंबर थ्री आपका बैलेंस शीट है. स्टेप नंबर वन क्या है, स्टेप नंबर वन है जर्नल एंट्रीज को फ्रेम करना, स्टेप नंबर टू है कैपिटल रिडक्शन को बनाना और स्टेप नंबर थ्री है बैलेंस शीट को बनाना. यही थ्री आपके इंपॉर्टेंट स्टेप्स है इस चैप्टर से रिलेटेड. सो तीन पार्ट में हमको इस चैप्टर को सॉल्व करना है और ये जो तीन पार्ट्स है यही तीनों पार्ट्स मिला के आपको क्वेश्चन पेपर में या जो एग्जाम होगा उसमें 20 मार्क्स देंगे. सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर, काफी बड़ा चैप्टर है. तीन चीजें हमको इसमें सॉल्व करनी है, एक तो है जर्नल एंट्रीज, सेकंड है कैपिटल रिडक्शन का लेजर और थर्ड है बैलेंस शीट. सो ये तीनों चीजें हमें सॉल्व करनी है. अभी तीनों चीजों को कैसे करना है वो धीरे धीरे हम सीखेंगे, पहले आगे के पॉइंट्स को पढ़ेंगे. अब देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेथड्स of internal reconstruction and this methods are been important while doing internal reconstruction. देखो बहुत सारे internal reconstruction के method है. अगर हम देखें तो alteration of share capital, share capital को alter किया जाएगा. इसमें मैं आपको दो concept बताता हूँ, ध्यान से सुनना. एक होता है consolidation और second concept होता है subdivision. One is called consolidation and another is called as subdivision. देखो सिंपल है, दोनों में से एक ही याद रखो. अगर दोनों याद रखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे. नंबर वन, अगर हम छोटे नंबर से बड़े नंबर में जाएंगे तो वो होता है कंसोलिडेशन. से फॉर एग्जाम्पल हमारे शेयर्स का फेस वैल्यू था ₹2. सो हमारे शेयर्स का फेस वैल्यू ₹2 था, एक शेयर का प्राइस है ₹2.
तो अगर हम 2 रुपए के शेयर को 10 रुपए के शेयर में कन्वर्ट करेंगे, मतलब अभी फेस वैल्यू 2 रुपीज से कितना बन जाएगा, 10 रुपीज बन जाएगा। सो 2 रुपीज के शेयर को अगर हम 10 रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो वो होता है कंसोलिडेशन। सिंपल मतलब छोटे नंबर से बड़े नंबर में कन्वर्ट किया, दैट इज कॉल्ड एज कंसोलिडेशन। एंड बड़े नंबर से छोटे नंबर में कन्वर्ट किया, दैट इज कॉल्ड एज सब डिविजन। देखो कैसे होता है, अभी समझो मेरे पास 10 रुपीज का शेयर है, तो 10 रुपीज का शेयर को समझो मैंने 2 रुपीज में कन्वर्ट कर लिया, तो ये रिडक्शन है, बट इसको ही हम सब डिविजन बोलेंगे। सब डिविजन एक्चुअली अगर देखा जाए तो कैसे होगा, 100 रुपए का शेयर था, 10 रुपए बनाया, फिर 10 रुपए के शेयर को फिर से 2 रुपए बनाया, दैट इज कॉल्ड एज सब डिविजन। तो ये दो कंसेप्ट बार बार आएंगे आपके इस चैप्टर में, वन इज कॉल्ड एज कंसोलिडेशन। तो वॉट इज कंसोलिडेशन, इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन लर्न, कंसोलिडेशन रेफर्स टू कन्वर्टिंग शेयर फ्रॉम स्मॉलर डिनोमिनेशन टू लार्जर डिनोमिनेशन। इफ वी आर कन्वर्टिंग शेयर फ्रॉम स्मॉलर डिनोमिनेशन टू लार्जर डिनोमिनेशन, इट इज कॉल्ड एज कंसोलिडेशन। एंड इफ शेयर आर कन्वर्टेड फ्रॉम लार्जर डिनोमिनेशन टू स्मॉल डिनोमिनेशन, इट इज कॉल्ड एज सब डिविजन। तो देर आर एन नंबर ऑफ मेथड, हम धीरे धीरे करके इसके पॉइंट्स पढ़ेंगे। शेयर कैपिटल को रिड्यूस किस तरीके से करना है, शेयर कैपिटल्स को रिड्यूस करते वक्त हमें कौन सी जर्नल एंट्रीज करनी है, ये सारे पॉइंट्स हम लोग धीरे धीरे करके इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, अब ये इंपॉर्टेंट है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। कैपिटल रिडक्शन ध्यान से सुनना, बिकॉज इसमें स्टूडेंट काफी मिस्टेक करते हैं। मैंने कैपिटल रिडक्शन की बात की, मैंने कैपिटल रिडम्पशन नहीं बोला, बिकॉज आपने SY में पढ़ा था एक चैप्टर, उसमें CRR क्रिएट होता है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। सो आई एम नॉट सेइंग ओवर हियर कैपिटल रिडम्पशन, आई एम सेइंग ओवर हियर कैपिटल रिडक्शन। इसका मतलब ये है कि जब भी इस चैप्टर में कोई भी रिडक्शन होगा, से फॉर एग्जाम्पल हमारे डिबेंचर होल्डर्स थे 1 लाख रुपए के, सो वी हैव डिबेंचर होल्डर्स वैल्यू 1 लाख। तो हमने डिबेंचर होल्डर्स को बोला कि हम आपको अभी सेटलमेंट करेंगे, हम आपको 80,000 पे करेंगे कैश में। सो एवरी डिबेंचर होल्डर ने थोड़ा सोचा और बोला चलो अच्छा है, 80,000 हमें मिल रहा है, क्योंकि कंपनी अभी रीऑर्गेनाइज होने वाला है, तो सिंस हमें 80,000 मिल रहा है हम एग्री करते हैं। तो हम कंपनी है, हमें कंपनी के बेसिस पे डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट करना था 1 लाख रुपीज, और हमने पेमेंट किया 80,000। तो अगर हम उन्हें 80,000 पेमेंट करेंगे तो हमारे लिए प्रॉफिट है, हमारे लिए कितने का प्रॉफिट है, 20,000 का प्रॉफिट है। तो सिंस हमारे लिए 20,000 का प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर होगा, ये प्रॉफिट जो है वो एक सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफर होगा ओनली फॉर दिस चैप्टर, विच इज कॉल्ड एज कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। सो आई रिपीट अगेन, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। सो कोई भी लॉस हो, कोई भी प्रॉफिट हो, हमें इसी अकाउंट में ट्रांसफर करना है, और इस अकाउंट का नाम है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। अगर प्रॉफिट होगा तो कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट होगा। तो ये आपको बेस बता के रखता हूं, ध्यान से देखना, मैं यहां पे आपके लिए लिख के रख रहा हूं। अगर हमारा प्रॉफिट है तो कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट होगा, अगर हमारा लॉस है तो कैपिटल रिडक्शन डेबिट होगा। सो दो चीजें आपको ध्यान से देखनी है। नंबर वन इज कैपिटल रिडक्शन इज व्हाट, कैपिटल रिडक्शन इज अ अकाउंट व्हिच इज स्पेशली प्रिपेयर्ड फॉर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। ऑल एडजस्टमेंट्स व्हिच वी आर डूइंग इन दिस चैप्टर विल बी मेड थ्रू दिस अकाउंट। इफ देर इज प्रॉफिट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, इफ देर इज लॉस, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट विल बी डेबिटेड। दैट इज द बेसिक्स ऑफ दिस। सो since we have many persons who we need to pay, we are debenture holders, we have creditors, we have all the assets which are appreciated or depreciated, all these points we need to adjust properly. तो ये जो भी adjustment होने वाला है ये separate account के basis पे होगा, and this separate account is called as debenture capital reduction account. So capital reduction account is important for this chapter. आगे बढ़ते हैं,
सो ये आपके जर्नल एंट्रीज है. सो यस स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान से पढ़ के रखना, बिकॉज यही जर्नल एंट्रीज से आपके जितने भी क्वेश्चन है इस चैप्टर के, वो हम धीरे धीरे करके सॉल्व करने वाले हैं. सबसे पहला एंट्री है रिडक्शन इन शेयर कैपिटल. जब मैं इसको प्रॉपरली सॉल्व करवाऊंगा तब आपको और डिटेल में समझाऊंगा, फिलहाल रिडक्शन इन इक्विटी शेयर कैपिटल. देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल हो या प्रेफरेंस हो, इक्विटी शेयर कैपिटल सिंपल एंट्री है. इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यहाँ पे आपके लिए लिख रहा हूं ओल्ड. जो भी आपके ओल्ड इक्विटी शेयर कैपिटल होंगे, से फॉर एग्जाम्पल आपका ओल्ड इक्विटी शेयर कैपिटल का फेस वैल्यू 10 है और उसको हमें कन्वर्ट करने बोला है 2 रुपीज में. सो 10 रुपया ये हमारा ओल्ड है, 2 रुपया हमारा न्यू है. सो बाकी जो डिफरेंस बचता है 8 रुपीज, वो जाएगा कैपिटल रिडक्शन में. सो एंट्री काफी इजी है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू कैपिटल रिडक्शन. तो इसके लिए मैंने आपको बताया जो भी हमारा डिफरेंस है वो कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर होगा. सिमिलर आपका प्रेफरेंस का है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट टू कैपिटल रिडक्शन. अमाउंट के साथ एग्जाम्पल लूंगा, लेकिन जो डेबिट साइड में आएगा वो आपका ओल्ड होगा, जो क्रेडिट साइड में आएगा वो आपका न्यू होगा, और जो भी आपका डिफरेंस रहेगा दैट विल बी योर कैपिटल रिडक्शन. नेक्स्ट पॉइंट विल मूव डिबेंचर होल्डर्स. मैंने अभी आपके साथ एग्जाम्पल लिया था, समझो हमें डिबेंचर होल्डर्स को 1 लाख पेमेंट करना है, तो आप लोग यहां लिखोगे 1 लाख टू टू डिबेंचर होल्डर्स. क्रेडिट साइड में हमने उनको 80,000 पे किया, तो हम यहां लिखेंगे 80,000, और जो आपका कैपिटल रिडक्शन है उसमें कितना ट्रांसफर होगा, फिर प्रॉफिट 20,000. तो देखो, मैंने अभी आपको बताया था अगर प्रॉफिट होगा तो कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट, तो देखो डिबेंचर होल्डर्स में प्रॉफिट है इसलिए कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट हुआ है. दैट इज द पॉइंट रिलेटेड टू डिबेंचर होल्डर्स एज कंसर्न. अगले पॉइंट में जाते हैं, सेटलमेंट ऑफ क्रेडिटर्स. जो भी हम क्रेडिटर्स को पे करेंगे तो क्रेडिटर्स को हमें पेमेंट करना है. पेमेंट करते वक्त हमें ये देखना है कि उनको हम क्या देने वाले हैं. अगर हम उनको इक्विटी शेयर्स देंगे तो इक्विटी शेयर्स क्रेडिट होंगे, अगर हम उनको डिबेंचर्स देंगे तो डिबेंचर्स क्रेडिट होंगे, अगर हम उनको कैश देंगे तो कैश क्रेडिट होगा. और बेसिकली जितना भी पेमेंट करने वाले हैं उसमें से हमने जितना पेमेंट किया है वो लेंगे, और बाकी का डिफरेंस कैपिटल रिडक्शन में. फॉर एग्जाम्पल क्रेडिटर्स को अगर हमें पेमेंट करना है तो क्रेडिटर्स को पेमेंट करना है 2 लाख रुपीज, बट हमने उनको 1,60,000 का ही पेमेंट किया है, समझो कैश दिया है, तो 2 बैंक ही आएगा, इक्विटी शेयर डिबेंचर वगैरह नहीं लिखना है. सो 2 लाख में से 1,60,000 हमने पे कर दिया, कितना हम पे नहीं कर पाए, 40,000. तो दैट इज कैपिटल रिडक्शन, हमारे लिए प्रॉफिट है, तो दैट इज वाई कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट. अब आया एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ असेट्स. एप्रिसिएशन का मतलब होता है असेट्स की वैल्यू बढ़ी. असेट्स की वैल्यू जब भी बढ़ेगी तब हमको क्या होगा, प्रॉफिट होगा, और असेट्स की वैल्यू जब भी कम होगी तब हमें क्या होगा, लॉस होगा. कम होगी मतलब क्या होगा, डेप्रिसिएशन, और बढ़ना मतलब क्या होता है, एप्रिसिएशन. सो असेट्स जो भी है, जो भी असेट्स बढ़ते हैं उनको हम एप्रिसिएशन बोलते हैं, जो भी असेट्स रिड्यूस होते हैं उनको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं, और अगर इनटेंजिबल असेट रिड्यूस होता है उसको एमोर्टाइजेशन बोला जाता है. सो अगर असेट्स की वैल्यू बढ़ी तो हमारे लिए प्रॉफिट है. आपका सिंपल एंट्री है असेट्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, और अगर असेट्स की वैल्यू कम होती है तो हमारे लिए लॉस है, एंट्री बनेगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट. सो बेसिकली दैट इज द पॉइंट, ये आपके हर क्वेश्चन में आने वाला है इसलिए आपको इसको ध्यान में रखना है. अगले पॉइंट में जाते हैं, नंबर 7th, पेमेंट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस. तो देखो, रिकंस्ट्रक्शन जब भी होने वाला है तो ऐसा तो नहीं है कि रिकंस्ट्रक्शन करते वक्त कंपनी के कोई खर्चे नहीं होंगे. तो रिकंस्ट्रक्शन करते वक्त जो भी खर्चे होंगे उसके लिए एक सिंपल एंट्री है, कैपिटल रिडक्शन टू बैंक. आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा कि कितना रिकंस्ट्रक्शन का एक्सपेंसेस पे हुआ है. नेक्स्ट इज प्रेफरेंस डिविडेंड पेड, काफी इंपॉर्टेंट. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनका डिविडेंड देना पड़ेगा, और जितना भी डिविडेंड एरियर्स में होगा उसका भी एक एंट्री है. सो आपको ध्यान रखना है, अगर प्रेफरेंस डिविडेंड वेव्ड बोला है, वेव्ड या कैंसल्ड. देखो एक कंसेप्ट है इस चैप्टर में, बहुत सारे वर्ड्स है, वेव्ड आएगा, रेमिशन, फोरगो या कैंसल्ड, इन सबका मीनिंग सेम होता है. इफ इट इज वेव्ड मतलब छोड़ देना, माफ करना, तो प्रेफरेंस डिविडेंड को, प्रेफरेंस डिविडेंड हमें पेमेंट करना था लेकिन वो वेव्ड कर दिया प्रेफरेंशियल होल्डर्स ने, तो उसका कोई भी जर्नल एंट्री हम पास नहीं करते, बिकॉज दैट इज कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी.
कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी अगर होगी तो ही उसका एंट्री होगा, नहीं होगी तो उसका एंट्री नहीं होगा। सो ये ध्यान रखना है आपको। प्रेफरेंस डिविडेंड अगर पेड किया तो उसका एंट्री बनता है कैपिटल रिडक्शन टू बैंक। अगर हमने उनको इक्विटी शेयर्स दिए होंगे तो उसका एंट्री होगा कैपिटल रिडक्शन टू इक्विटी शेयर्स। अगर हमने उनको डिबेंचर्स दिए होंगे तो एंट्री होगा कैपिटल रिडक्शन टू डिबेंचर्स। जो जो भी हमने दिया है वो सारे पॉइंट हमको क्रेडिट करने हैं। अगर आपने असेट सोल्ड किया है तो सिंपल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट इज ऑल ऑफ यू आर नोइंग। आगे बढ़ते हैं, काफी इंपॉर्टेंट स्टेप नंबर 9 को इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं मैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यही हमारा मेन कंसेप्ट है इस चैप्टर का, दैट इज कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू ऑल द असेट्स। आई हैव रिटन ऑल, इसके बाहर का एक भी असेट आपके पेपर में नहीं आएगा या आपके क्वेश्चंस में नहीं आएगा। मैंने सारे लिख दिए, इतना बड़ा एंट्री हर बार होने वाला है ऐसा नहीं है, बट मैंने सारे लिख दिए। देखो, फिक्टिशियस असेट्स मतलब प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट बैलेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस, और इनटेंजिबल असेट्स को भी आपको यहाँ पे राइट ऑफ करना जरूरी है, तो वो आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। एंट्री बनेगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू ऑल फिक्टिशियस असेट्स, ऑल इनटेंजिबल। मैंने आपको एग्जांपल के लिए नाम लेके यहाँ पे दिया है। और हमारा लास्ट नंबर का स्टेप है, 11 नंबर का एंट्री हमारा बन सकता है, जो आपको हर बार पास करना है, बिकॉज जो भी आपके कैपिटल रिडक्शन का बैलेंस है, जो भी आपका कैपिटल रिडक्शन का बैलेंस है, वो बैलेंस कहाँ ट्रांसफर होता है, दैट बैलेंस इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो कैपिटल रिजर्व में ये बैलेंस ट्रांसफर होता है। सो ये कब होता है, ये लास्ट में ट्रांसफर होता है। सो लास्ट में जब हम जाएंगे तब लास्ट में हमें कैपिटल रिडक्शन का जितना भी बैलेंस है उस लेजर को क्लोज करके वहां से जो भी बैलेंस है दैट वी नीड टू ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो ये कैसे करना है, ये हमको करने के लिए एक फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला सिंपल है, मैंने यहाँ पे लिखा है। कैपिटल रिडक्शन जितने बार जर्नल एंट्रीज में क्रेडिट दिखेगा वो आपको ऐड करना है, जितने बार आपको जर्नल एंट्रीज में डेबिट दिखेगा वो आपको लेस करना है। तो हमें आंसर मिल जाएगा, और वो आंसर के लिए हम जर्नल एंट्री पास करेंगे, एंड दैट एंट्री विल बी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो ये 11 स्टेप्स आपके जर्नल एंट्रीज से रिलेटेड होंगे जो आपको ध्यान रखने हैं, एंड दिस आर दी टोटल स्टेप्स। सो वी हैव कवर्ड टूडे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का बेसिक्स। सिमिलरली जैसे मैंने टैक्सेशन के लेक्चर्स शुरू किए हैं, वैसे ही मैंने फाइनेंशियल अकाउंटेंट अकाउंटिंग के रिलेटेड जो भी आपके चैप्टर्स है उसकी भी लेक्चर्स में धीरे धीरे शुरू कर रहा हूँ, सो दैट इसका भी आपको हेल्प हो जाए और ये जो बेसिक्स है वो आपको क्लियर आपका हो जाए। सो दैट्स इट, दिस वॉज फ्रॉम द वीडियो। क्विज भेजूंगा तो क्विज को ध्यान से अटेम्प्ट करना, और ये पूरे बेसिक से ही आपका क्विज अटेम्प्ट हो जाएगा, सो दैट साइमल्टेनियसली आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल भी मुझे पता चले। दैट्स इट, दिस वॉज फ्रॉम द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, लाइक करे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करे, और अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बिकॉज जैसे ही मैं नया वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिलेगा, वही आपके लिए एक बेनिफिट हो जाएगा, ताकि आप कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना करें। थैंक यू। इफ यू रियली लाइक इट, कमेंट करे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या आप पर्सनली मुझे मेल कर सकते हैं, मेल का आईडी भी मैंने वहां पे दिया है आपके डाउट्स को। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग। टिल देन, एज ऑलवेज, वर्क हार्डर, बी स्मार्टर।